नमस्कार, वीके बी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के दाबा क्षेत्र में वृद्धा के घर में रात को घुसी चोरों की टोली, आरोपियों ने चाकू की नोक पर धमकाया। नागपुर में नायलॉन मांझे पर प्रशासन सख्त, खरीद बिक्री पर रोक, होगी कड़ी कार्रवाई। और ममता पवार की बैठक में नए मोर्चे की तैयारी, कांग्रेस को साथ लेकर मोदी सरकार को रोकने का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। घर में वृद्ध महिला को अकेले पाकर चोरों की गैंग ने रात में हमला करते हुए 98,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। 5 से 7 चोरों की गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह घटना गिट्टी खदान थाना अंतर्गत दाबा क्षेत्र में सामने आई। चाकू की नोक पर वृद्ध को डरा धमका कर लूटपाट करने वाली गैंग को लेकर परिसर में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वेलकम सोसाइटी निवासी 70 वर्षीय अनिता प्रभाकर मेशराम अपने घर में अकेली रहती है। घर से करीब 500 मीटर दूरी पर ही उनकी बेटी और दामाद का घर है। रात के बीच 5-8 लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से दरवाजा खोलकर उनके घर में प्रवेश किया। वृद्धा को चाकू दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। लुटेरों के डरावने चेहरे देखकर अनिता सहम गई। लुटेरों ने अलमारियां छान ली, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अनिता के पहने 2 कंगन, कान की बालियां और सोने की चेन समेत 98,000 रुपए का माल लूट लिया। कुछ देर बाद वृद्धा ने अपनी बेटी के घर जाकर जानकारी दी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इस घटना के बाद परिसर में दहशत का माहौल है। साथ ही घर में अकेले रहने वाले वृद्ध परिवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी मिलते ही DCP विनीता साहू, सीनियर PI गजानन कल्याणकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी हासिल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार के बीच हुई बैठक पर से पर्दा उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार के विरुद्ध में जो असंतोष है उसे देखते हुए देश में कांग्रेस को साथ लेकर नया मोर्चा बनाया जाएगा, लेकिन इसकी अगुवाई कौन करेगा ये फिलहाल तय नहीं है। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं बनाया जा सकता है। बनर्जी 2 दिवसीय दौरे पे मुंबई आई थी, उन्होंने पवार साहब के साथ मीटिंग की, उसके बाद हम सभी मंत्रियों के साथ भी चर्चा हुई है। उनका कहना स्पष्ट है कि देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक असंतोष का वातावरण है, सभी विपक्ष को इकट्ठा करके कोई पर्याय निर्माण करके देने की जरूरत है। पवार साहब ने स्पष्ट किया है कि हम सभी लोगों को साथ में लाने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस बिना कोई भी विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस को साथ में लेके और अन्य दल जो UPA में आज नहीं है उनको भी साथ में लाया जाएगा, एक नया मोर्चा बनाया जाएगा। सवाल उसकी अगुवाई कौन करेगा ये नहीं, सवाल ये है मोर्चा कैसे बने, देश के सामने एक पर्याय कैसे दिया जाए। और कल पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक सामूहिक नेतृत्व कैसे होगा, इसको लेके हम आगे काम करेंगे। सर, उसी के साथ ममता जी ने ऐसा भी बुलढाणा जिले की भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्वेता महले ने वितरण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चिखली में प्रदर्शन किया। इन दिनों किसानों की बिजली काटी जा रही है, जिसके विरोध में महावितरण के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस दौरान विधायक श्वेता महले ने कहा कि आगामी शीत सत्र के दौरान वो महावितरण के अधिकारियों के खिलाफ अधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में लाएगी। तीन दिवसामध्ये 29 तारखेपासून तर पुढच्या 3 दिवसामध्ये चिखली विधानसभेतले सगळे वीज कनेक्शन जोडून देऊ हा लेखी आश्वासन त्या ठिकाणी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जायभेंनी मला दिलं होतं। या आश्वासनाची पूर्तता ते करू शकले नाही, त्या ठिकाणी त्यांनी माझी दिशाभूल केली, त्याच्यामुळं येणाऱ्या विधानसभेमध्ये त्यांच्याविरुद्ध मी हक्कभंगसुद्धा आणणार आहे। शेवटी त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबत
विधिमंडळातला एक सदस्य सुद्धा बसलेला होता. लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करणे हे अधिकाऱ्यांना खूप सोपं वाटतं. आपण पाहतोय आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी हे शेतकऱ्यांसाठी लढतो. आमचा लढा हा शेतकऱ्यांसाठीचा तो लढा असतो आणि अशा वेळेला जर का अधिकारी दिलेले आश्वासनं पाळत नसतील तर कुठेतरी त्या अधिकाऱ्यांवरती सुद्धा सोप बसला पाहिजे. या अधिकाऱ्यांना सुद्धा लोकप्रतिनिधी काय असतो, या लोकप्रतिनिधींची ताकद ही शेतकरी असते याचं भान त्यांना राहिलं पाहिजे. जायभाईंनी दिलेला शब्द पाळला नाही. 3 दिवसांमध्ये त्यांनी वीज कनेक्शन पूर्ण जोडले नाही. या अनुषंगाने येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये त्यांच्यावरती मी हक्कभंगसुद्धा आणणार आहे. नागपूर में जानलेवा नायलॉन मंजे की बिक्री और खरीदी पर रोक होने के बाद भी मार्केट में इसकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है. पतंगबाजी भी शुरू हो गई है. बावजूद इसके संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी. ज्ञात हो कि पतंगबाजी करने वाले लोगों में पिछले कुछ वर्षों से नायलॉन मांजे को लेकर काफी क्रेज है, जिसके कारण दुर्घटना और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. इसी बात को देखते हुए इस संक्रांति पर्व पर नायलॉन मांजे के खिलाफ मनपा के घन कचरा व्यवस्थापन विभाग ने नोडल ऑफिसर डॉक्टर गजेंद्र महल्ले ने 2 दिसंबर को नायलॉन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है. जो भी नायलॉन मांजा बेचते हुए मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि राज्य के पर्यावरण विभाग की तरफ से 18 जून 2016 को पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 अंतर्गत नायलॉन मांजे के उपयोग पर रोक लगाई गई है. इसी बात के मद्देनजर अब नायलॉन खरीदी बिक्री एक अब पतंगबाजी करने वालों को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. VKB न्यूज की भी जनता को सलाह है कि नायलॉन से होने वाले नुकसान और परेशानियों को देखते हुए इस बार नो नायलॉन इस बात को अपनाए. वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. नागपुर अमाजरी जैविता पार्क में घुमक्कर तेंदुआ घूम रहा है. जी हां, इसके बाद वन कर्मियों ने शुक्रवार को SRPF टीम के साथ उपरोक्त घटना स्थल के आसपास ढूंढना शुरू किया है. ज्ञात हो कि इससे पहले भी नागपुर में खुलेआम तेंदुए के घूमने से नागपुर वासी घबरा गए थे, जिसके बाद अब इस पार्क में तेंदुए का इस तरह से घूमना फिर लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन रहा है. जैसे ही इस बात की खबर वन विभाग को मिली उन्होंने अपना सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि उद्यान के पांडाबोड़ी क्षेत्र में तेंदुए के पगमार्क भी मिले. शुक्रवार की शाम पगमार्क की जांच के दौरान ही तेंदुआ प्रत्यक्ष दिखाई भी दिया है. इसके बाद जैव विविधता पार्क में तेंदुए की मौजूदगी का पता चलता है. वन विभाग के मुताबिक वन अधिकारियों के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तेंदुए पर नजर रख रही है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को डरने की आवश्यकता नहीं, ऐसा भरोसा वन विभाग द्वारा नागरिकों को दिलाया गया है. ब्याज की रकम नहीं लौटाने पर एक साहूकार ने एक व्यक्ति को अपनी कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. वर्धा शहर में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी साहूकार नागपुर भाग आया. यहाँ गिरिपेट में अपने मकान में खुद को छिपा लिया, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला और कार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम रवि उर्फ शैलेश येलने है. वही मृतक का नाम वर्धा निवासी शंभु देवराव सोनगढ़े बताया गया. मृतक सोनगढ़े की पत्नी ने रवि येलने से 5,000 ब्याज पर उधार लिए थे. कुछ रकम लौटाने के बाद कुछ रकम देना बाकी था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. बुधवार की रात को आरोपी ने महिला के पति शंभू सोनगढ़े को कार से कुचल दिया. घटना के बाद आरोपी रात में नागपुर आ गया.
गिरिपेट में अपने मकान में खुद को बंद कर लिया। वर्धा पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही एक टीम नागपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से शहर भर में रवि की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने येलने के मोबाइल फोन की लोकेशन की ट्रेसिंग शुरू की। मोबाइल की अंतिम लोकेशन गिरिपेट में उसके फ्लैट में ही मिली। घर का घेराव कर उसे बाहर निकाला गया। उसे गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी कार को भी कब्जे में ले लिया। बताया गया कि येलने अवैध शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है। उस पर वर्धा में कई मामले दर्ज है। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के तहसीलदार दीपक करांडे ने रेती तस्करों को पकड़ने के लिए अलग तरीका अपनाया है। तहसीलदार टी शर्ट व बरमुडा पहनकर निकले। अवैध परिवहन कर रहे 5 टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई कर 80 लाख रुपए का माल जब्त किया। तहसीलदार ने सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया। तहसीलदार द्वारा की गई इस कार्रवाई से जिले में रेती तस्करों में हड़कंप मच गया है। रेती की तस्करी के दौरान रेत तस्करों को किसी भी तरह का संदेह न हो, इसके लिए तहसीलदार दीपक करांडे ने सुबह में सादी टी शर्ट एवं बरमुडा पहनी एवं टेम्पो पर सवार हुए। वे मोहाड़ी तहसील के रोहाबेटाला रेत घाट में गश्त करने लगे, जहां तस्करी हो रही थी। उन्हें रेत ले जा रहा एक टिप्पर मिला। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए टिप्पर को रोक दिया। सरकारी वाहन नहीं होने के कारण तस्करों को कोई शक नहीं हुआ। टिप्पर चालक ने सादे कपड़े पहने तहसीलदार को नहीं पहचाना एवं उनके साथ मुंहजोरी की। जब करांडे ने अपना परिचय दिया तो सभी हैरान रह गए। करांडे एवं उनकी टीम ने सभी 5 टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई की एवं जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई से अन्य तस्करों में हड़कंप मच गया है। आसपास के रेत घाट में मौजूद तस्कर एवं उसके लोगों ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। पूर्वी विदर्भ में भंडारा जिले की रेत की काफी मांग है। रेत तस्कर यहां पैसा एवं दहशत के जोर पर अपने मकसद को अंजाम देते हैं। यही कारण है कि रेत तस्करों के आगे प्रशासन बेबस नजर आता है। अमरावती और नागपुर जिले के नरखेड़, काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, वरुड़, मोर्शी, चांदूर बाजार, अचलपुर तहसील संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा संतरा मार्केट यहीं पर है। इन तहसीलों में 65 से 70 हजार हेक्टेयर में संतरा फसल का उत्पादन तो 35 से 40 हजार हेक्टेयर में मौसम्बी की फसल ली जाती है, परंतु बारिश के कारण विदर्भ के संतरा उत्पादकों को बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है। उसी प्रकार पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत में हुई बारिश के कारण संतरे का निर्यात दक्षिण भारत में नहीं हो पाने से संतरे के भाव में भारी गिरावट आने से संतरा उत्पादक किसानों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। संतरे की फसल 2 सीजन में ली जाती है। अंबिया बहार के संतरे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अचानक शुरू हुई बारिश के कारण अब संतरे को भाव नहीं मिल रहा है। जिन इलाकों में संतरे का उत्पादन काफी बड़े पैमाने में होता है, उन इलाकों में एक भी संतरा प्रक्रिया प्रकल्प नहीं है। इस वर्ष अधिक बारिश होने से संतरे पर बाउट रॉट का प्रकोप होने से बड़े पैमाने में संतरे पेड़ों से गल गए। इससे भी कुछ किसानों ने समय पर उपाय योजना कर संतरे को बचा कर रखा, लेकिन इस संतरे को कौड़ी मोल भाव मिल रहा है, जिसके चलते किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। विदर्भ की सबसे बड़ी कृषि उपज बाजार समिति के तौर पर कलमना मंडी की पहचान है, लेकिन यहां भी किसानों को चाहिए वैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में संतरा प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की सुविधा होती तो किसान अपने संतरे का माल तोड़कर कोल्ड स्टोरेज में रख पाते। चुनाव के समय किसानों को आश्वासन दिए जाते हैं, 5 साल के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को किसानों की याद नहीं आती। ऐसे में किसान केवल वोटों के लिए मर्यादित है क्या? ऐसा प्रश्न किसानों द्वारा किया जा रहा है। अतिवृष्टि के कारण संतरे पर विविध प्रकार की बीमारियां का प्रकोप होने से आए वर्ष बड़े पैमाने में पेड़ों से फल गल कर खराब हो गए। यह क्रम अभी भी जारी है। बाहरी राज्य में गिरने वाली बारिश के कारण किसानों के संतरे के माल को भाव नहीं मिलने से किसान भारी संकट में और परेशानी में है। 25 से 30 वर्षों से संतरा उत्पादक किसानों को संतरे के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई भी प्रकल्प नहीं होने से किसानों के हाल बेहाल है। कभी भाव मिलता है तो कभी उत्पादन ही नहीं होता, जिसके कारण किसान नुकसान में है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।